हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई 2022, गुरु पूर्णिमा व्रत, चार अद्भुत संयोग, भूलकर भी ना करें ये छह काम। आषाढ़ महीने में आने वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा कही जाती है। प्राचीन मान्यता अनुसार इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन से गुरु पूजा की परंपरा चली आ रही है। साल 2022 में गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाई जाएगी। ज्योतिष की अगर माने तो इस साल की गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन चार राजयोग बन रहे हैं। इन योगों में की गई पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त किया जा सकेगा। आज हम आपको साल 2022 गुरु पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए इस बारे में बताएंगे। गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई बुधवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई प्रातःकाल 4 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 जुलाई प्रातःकाल 12:06 पर। गुरु पूर्णिमा शुभ योग 2022। ज्योतिष अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा पर ग्रह नक्षत्रों के संयोग से चार बड़े राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन गुरु, मंगल, बुध और शनि की स्थिति बहुत ही शुभ रहेगी। ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण रुचक, हंस, शश और भद्र योग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण होने से गुरु पूर्णिमा इस साल और भी अधिक खास रहेगी। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद अपने गुरु का ध्यान कर पूजा स्थल पर दीप जलाएं। पूर्णिमा तिथि विष्णु जी को समर्पित है, इसीलिए विष्णु पूजा करें। इसके बाद घर की उत्तर दिशा में व्यास जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें फूलों की माला अर्पित कर आरती करें, मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अपने गुरु और माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज, पीले वस्त्र और पीली मिठाई का दान करें। ज्योतिष अनुसार यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा नियम। अन्य व्रत उपवास की तरह ही गुरु पूर्णिमा के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन घर में किसी से भी कलह या गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन घर व पूजा स्थल में अशुद्धि नहीं होने देनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु जी को अपना गुरु मानकर आज के दिन भगवान सत्यनारायण का पाठ घर में कराना चाहिए। यदि पूर्णिमा के दिन कोई ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।